यह एक खराब अंडा है, यह कई वर्षों से दफन है। एक दिन तीन लड़कों को गलती से यह मिल गया और उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की। समय को स्थिर बनाओ। आकाश में पक्षी हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, शहर में लोग और कारें, यहाँ तक कि चंद्रमा भी मौन और गतिहीन था। केवल प्रकाश, कोई अंधकार नहीं। पहले तो बच्चों को खेलने में बहुत मजा आया। वे खिलौने, खाना जैसी चीजें लेने के लिए स्वतंत्र हैं। केवल ये तीन बच्चे ही एक रहस्यमय अभिशाप की तरह महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब बच्चे उग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत शांत है। जीवन में रुचि खोना, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बदल गई है, लेकिन उनके युवा दिल अब जवान नहीं रहे। फिल्म की शुरुआत में चार बच्चे जंगली पहाड़ों में लोहे की बाड़ से गुजरते हैं। यहाँ सुरंग की मरम्मत चल रही है। उन्हें बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ा छेद मिला तो वे पूछताछ में लग जाते हैं। वे तय करते हैं कि पहले कौन प्रवेश करेगा। जाहिर है इस मोटे आदमी को नेतृत्व करना होगा। फिर एक एक करके वे अंदर चले गए। यह गुफा बहुत गहरी है। मोटे लड़के को थोड़ा डर लगा। सियोंग मिन उसे पीछे से आग्रह कर रहा था, इसलिए उसे रेंगकर आगे बढ़ना पड़ा। चारों बच्चे गुफा के अंत तक पहुंच गए। उन्होंने एक छोटी झील की खोज की जिसके नीचे से देखा जा सकता था। नीचे एक अंडा है। सियोंग मिन अपनी तैराकी क्षमता को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। सुरिन अभी भी पीछे था, इसलिए वह नीचे कूद गया। अंडा ऐसा था मानो पानी के नीचे से पैदा हुआ हो। सियोंग मिन ने उसे बाहर निकालने के लिए उस पर भरोसा किया। गुफा की रोशनी भी बुझ गई। फिर चार बच्चे रेंगते हुए बाहर निकले। उन्होंने अंडे को देखा और एक साथ एनिमेटेड बातें की। सुरिन को पता चला कि उसका हेयरपिन चला गया है, इसलिए वह खोजने के लिए गुफा में गई। एक छोटा भूकंप आया। उसे पता चला कि उसके तीन दोस्त गायब हो गए हैं। केवल टूटे अंडे के छिलकों का ढेर रह गया। सुरिन दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, फिर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। अगली सुबह उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। संबंधित संगठन भी जानकारी प्राप्त करते हैं। कल सुरंग के नीचे भूकंप आया जिससे तीन बच्चे लापता हो गए। सभी ने पहाड़ के पार खोजबीन शुरू कर दी। सुरिन एक दिन पहले पुलिस को गुफा में ले आई, लेकिन छेद नहीं मिल सका। अन्य तीन लड़कों के माता पिता ने सुरिन को दोषी ठहराया। उसी समय दूसरी ओर उन्हें मोटे लड़के का शव मिला। यह स्थान उस गुफा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इतने कम समय में बच्चे वहां नहीं पहुंच सके। इससे अधिकारियों के लिए काफी सिरदर्द पैदा हो गया है, क्योंकि वे उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कल जब सुरिन अकेले गुफा में दाखिल हुई तो बाहर तीन लड़कों ने अंडा तोड़ दिया। जब वह जमीन पर गिरा तो एक पारदर्शी रोशनी निकली और गायब हो गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। पक्षी गतिहीन है, पत्ते नहीं हिले, हवा का शोर भी बंद हो गया। छोटा सा शहर बेहद शांत था। दीवार से कूदने वाली बिल्ली गतिहीन स्थिति में है। पूरी कार और लोग 3D पेंटिंग की तरह स्थिर खड़े हैं। सबसे पहले उन्हें यह दिलचस्प लगता है। संघनन समय के कारण कोक ठोस में बदल जाता है। वे अन्य लोगों की परवाह किए बिना सुपरमार्केट में सब कुछ ले लेते हैं। जब वे उत्तल दर्पण से गुजरते हैं तो वे उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। तीनों लड़कों को किसी की परवाह नहीं है। वे वही निश्चल खड़े रहे। उनका वर्तमान जीवन अब स्वतंत्र एवं मुक्त है। यदि आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है तो मॉल में रहें। उस दिन वह मोटे हो गए थे क्योंकि अस्थमा की कोई विशेष दवा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। उसका शरीर भी बाकी सभी लोगों की तरह ही पड़ा हुआ था। दो दोस्तों का दिल टूट गया। फिर वे मोटे लड़के को बहुत दूर ले गए। अंत में अपने दोस्त को दफनाने के लिए रेत में एक गड्ढा खोदे। मोटे लड़के की मौत का कारण यही है। समय बीत गया। 10 वर्षों से हर कोई अभी भी तस्वीर की तरह शांत है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन दोनों दोस्त फिर से बड़े हो गए। चूंकि वे उचित रूप से शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उनकी गतिविधियां और चेतना अभी भी वैसी ही हैं जैसी तब थी जब वे बच्चे थे। उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, लेकिन कोई समाधान नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से बेहद नकारात्मक होता है। सेयोंग मिन ने आकाश में चंद्रमा में बदलाव देखा। वह अपने दोस्त को खुशखबरी सुनाने जा रहा था, लेकिन वह उसे नहीं मिला। सेयोंग मिन अपने दोस्त की तलाश में हर जगह जाता है। वह कई महीनों तक शहरों में घूमता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह अकेलापन महसूस करती थी और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। सेयोंग मिन के मन में आत्मघाती विचार आने लगे। उसे अपने दोस्त का शव मिला। सेयोंग मिन समुद्र तल में और गहराई तक डूबता जा रहा है। उसने पाया इस बार समुद्र हिल रहा था और आवाज हो रही थी। आकाश में पक्षी भी सामान्य रूप से उड़ते हैं। जाहिर है वह वास्तविक दुनिया में लौट आया था। यह शहर बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन यह उसके लिए पूरी तरह से विदेशी था। उसी समय सुरिन भी गुफा में अक्सर आती रहती है। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। वास्तविकता में समय कुछ ही महीनों का है, लेकिन सेयोंग मिन के क्षेत्र में 10 साल हो गए हैं।
अजीब आदमी का सामना करते हुए सुरिन बेहद डर गई है। सीओ मिन ने छोटी लड़की को दिखाने के लिए अपना चेहरा दिखाया। जबकि तीन लोग लापता थे, अधिकारियों ने सीओ मिन की मौत की घोषणा की। केवल एक बार सुरिन को ऐसा लगता है कि वह परिपक्व व्यक्ति सीओ मिन है। छोटी लड़की उस छोटे से घर में गई जहां दोनों चुंबन करते थे। सुरिन ने यहां सीओ मिन को देखा, उसने भी उसकी बात मान ली। केवल सुरिन को सीओ मिन पर भरोसा है। इस दुनिया में वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अब अस्तित्व में नहीं था। सुरिन उसे घर ले जाती है, लेकिन यह केवल अस्थाई है क्योंकि किसी को पता चल जाएगा। सीओ मिन पहले से होमरूम शिक्षक को खोजने गया था। एक बच्चे की नज़र में कभी कभी होमरूम शिक्षक माता पिता से भी ज्यादा करीब होता है। उसने सारी कहानियां बताई, लेकिन शिक्षक ने उस पर विश्वास नहीं किया, साथ ही बहुत डरा हुआ भी। उसे लगा कि वह युवक पागल है। सीओ मिन ने अपने पुराने सहपाठी को देखा, केवल उनकी काया इतनी अलग थी, इस पर कौन विश्वास कर सकता है। सुरिन के माता पिता को इस बारे में पता चला और उन्होंने उसे बंद कर दिया। उन्होंने खिड़की पर कीले भी ठोंक दी, इस डर से कि वह उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए भाग जाएगी। दरअसल सुरिन के माता पिता गलत नहीं थे, सुरिन भी गलत नहीं है। गलत स्थिति। सीओ मिन केवल सुरिन पर भरोसा कर सकता है। लड़की के घर में घुसने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिले। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में केवल वे ही बचे हैं। सुरिन ने सीओ मिन को यहाँ से ले जाने का फैसला किया। माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी लापता है। किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। शाम को वे जंगल के बीच में एक लकड़ी के घर में रात बिताते हैं। सुरिन के पिता ने घात लगाकर सीओ मिन पर हमला कर दिया। वह अपनी बेटी को वहां से निकालना चाहता था, लेकिन सीओ मिन का दिमाग केवल 10 साल पुराना है। सुरिन के पिता को नीचे गिराने के बाद वे फिर से घर से भाग जाते हैं। अगले दिन पुलिस यहां जांच करने आई। उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं मिला, लेकिन सीओ मिन की पहचान साबित नहीं कर सके। सीओ मिन और सुरिन शहर छोड़ने के लिए ट्रेन लेने की योजना बना रहे हैं। टिकट खरीदते समय उन्होंने अखबार में सीओ मिन को देखा और एक वांछित नोटिस प्राप्त किया। इसलिए आप निरीक्षण द्वार को पार नहीं कर सकते। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो पुलिस ने घेर लिया। वे भागना चाहते थे, लेकिन गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सीओ मिन को भागने में मदद करने के लिए सुरिन जानबूझकर समय खरीदता है। यदि वे उसे ले गए तो उसे अनुसंधान संस्थान में जाना होगा। शाम को सुरिन फिर से भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद गई। इस बार वह पहले ही गुफा में चली गई। सुरिन ने बर्फीला अंडा उठाया। उसे वह समय मिल गया जो सीओ ने खो दिया था। जब वह बाहर निकली तो सीओ मिन पहले से ही गुफा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि सुरिन ऐसा करे। अगर उसने ऐसा किया तो सुरिन को संभवतः दूसरी दुनिया में अकेले रहना पड़ेगा। वहीं पुलिस को वह जगह भी मिल गई। उन्होंने दोनों को चट्टान के किनारे घेर लिया। सीओ मिन ने जो कहा उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सुरिन उसकी रक्षा करती है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। आखिरकार सुरिन तो एक बच्ची है। सीओ मिन पर पीछे से हमला किया गया। वह और सुरिन फिसल गए और चट्टान से नीचे गिर गए। यहाँ तक कि पुलिस वाला भी नहीं बचा। अगले दिन सुरिन समुद्र तट पर बह गया और सीओ मिन गायब हो गया। आखिरकार सुरिन को झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर वह सच भी कहती तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सुरिन ने कहा कि वह जानती थी कि उस आदमी ने उसके साथ धोखा किया है। शायद यही वह परिणाम है जिसकी सभी को आशा थी, और वास्तविक परिणाम सुरिन के दिल में गहराई से दबा हुआ था। वे फिर मिलते हैं। वे सामान्य तरीके से एक साथ रह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता, लेकिन लोग हमेशा उत्तर की तलाश में रहते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दे देते हैं।